नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात में आज 17 दिन बाद टनल से निकाले गए मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर उनका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने उन्हें एक लाख रुपए के मुआवजे के चेक दिए। ईरान के एक न्यूक्लियर सेंटर के पास हुए रहस्यमय धमाके के बाद ईरान ने इसराइल और अमेरिका पर साजिश का आरोप लगा दिया, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने तक की आशंकाएं बढ़ गई। समंदर के ऊपर मंडरा रहे फिलीपींस के फाइटर जेट को घेरकर चीन की सेना ने उसे कड़ी चेतावनी दे दी, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। और इसराइल के साथ बंदूकों पर हुई डील से अलग हमास ने रूस के 2 नागरिकों को छोड़ने का ऐलान किया, जिससे रूस और हमास की नजदीकियों के दावों को दम मिला। बड़ी खबर आई उत्तराखंड से। खबर है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों को ने सबसे अहम भूमिका निभाई, क्योंकि मजदूरों तक पहुंचने के लिए आखिरी 12 मीटर की खुदाई का काम रैट माइनर्स की टीम ने ही पूरा किया था। संकरी जगहों में हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों को रैट माइनर्स कहा जाता है, और इन लोगों ने ही 24 घंटे के अंदर 12 मीटर की ड्रिल कर मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता साफ किया। और फिर एनडीआरएफ की टीम ने पहिए लगे स्ट्रेचर की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद सभी मजदूरों को सिलक्यारा से करीब 30 किलोमीटर दूर चिल्लियारी सोर्स ने ले जाया गया, जहां पहले से ही मजदूरों के लिए 41 बेड का स्पेशल अस्पताल तैयार किया गया था। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए। सुरंग से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मजदूरों से फोन पर बातचीत की, लेकिन 17 दिन से सुरंग के अंदर फंसे इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूर देवदूत साबित हुए, क्योंकि दिल्ली से पहुंची रैट माइनर्स की टीम ने 24 घंटे के अंदर ही हाथों से 12 मीटर की खुदाई कर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर दिया। यानी हाथों से संकरी जगहों में खुदाई करने में माहिर ये मजदूर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वरदान साबित हुए। रैट माइनर्स की टीम ने वो करिश्मा कर दिखाया जो आधुनिक और ताकतवर अमेरिकी ऑगर मशीन तक नहीं कर पाई। इन मजदूरों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देसी तकनीक का इस्तेमाल किया और सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों को निकालने के लिए 12 मीटर की खुदाई कर पाइप धकेलने का रास्ता बनाया। इसके बाद उसी पाइप के जरिए मजदूरों को 1-1 कर बाहर निकाला गया। बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो जाने के बाद हाथों से इन्होंने खुदाई की है और इन्होंने 41 जिंदगियां बचाई है। रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले इन मजदूरों के सामने 800 मिलीमीटर यानी 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर ड्रिल करने की चुनौती थी। मतलब खुदाई का काम ऐसी जगह पर करना था जहां एक आदमी ठीक तरह से बैठ तक न पाए, लेकिन उसी पाइप में इन मजदूरों ने घुटनों के बल बैठकर और लेटकर ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया। और इन्हीं रैट माइनर्स की बदौलत उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सबसे लंबे और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। रैट माइनर्स ऐसे मजदूर होते हैं जो छोटी छोटी सुरंगों में घुसकर या यूं कहें कि संकरी जगहों में जाकर हाथों से खुदाई करने का काम करते हैं। मतलब जहां आधुनिक और महंगी मशीनें घुटने टेक देती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से ही कमाल करने का हुनर रखते हैं। और इस देसी तकनीक में महारत रखने वाले लोगों के पास पहाड़ों को काटकर जमीन के अंदर जाने का अनुभव होता है। ये लोग बखूबी जानते हैं कि पहाड़ों और चट्टानों की बनावट को कैसे भेदना है। असल में मेघालय और झारखंड की कोयला खदानों में छोटे छोटे छेद के जरिए अवैध तरीके से खुदाई की जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कोयले की परत 3-4 फीट यानी बेहद पतली होती है। कोयला निकालने वाले मजदूर सीधे कोयले की परत तक जाने के लिए छोटे छोटे छेद बनाते हैं। ये छेद इतने छोटे होते हैं कि इनमें सीधे बैठा भी नहीं जा सकता, इसीलिए इनमें घुटनों के बल रेंगते हुए पहुंचकर कोयला निकाला जाता था। खुदाई की ये प्रक्रिया चूहे के बिल खोदने जैसी है, इसी वजह से इन्हें रैट होल माइनर्स कहते हैं। मतलब कोयले की खदानों में रैट माइनर्स बिल्कुल वैसे ही खुदाई करते थे जैसे चूहे जमीन में अपना बिल बनाते हैं। इस देसी तकनीक में खुदाई के लिए हाथों से चलने वाली छोटी ड्रिलिंग मशीन और कुदाल का इस्तेमाल होता है और हाथों से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। और इसी देसी तकनीक का इस्तेमाल कर दिल्ली से आए रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में घुसने का रास्ता तैयार किया था। 32 इंच चौड़े पाइप में जाकर खुदाई करने के लिए इन मजदूरों ने पूरी ताकत के साथ अपना पूरा अनुभव भी झोंक दिया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलक्यारा पहुंचने के फौरन बाद रैट माइनस की टीम ड्रिलिंग में जुट गई थी, बल्कि खुदाई का काम शुरू करने से पहले उन्होंने बाकायदा पूरी प्लानिंग की। मतलब किस तरह से 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर जाना है और वहां खुदाई करनी है, क्योंकि मलबे में 47 मीटर की खुदाई का काम पूरा हो चुका था। सिर्फ 10 से 12 मीटर की खुदाई बची थी, जिसके लिए दिल्ली से आए रैट माइनस की 12 लोगों की टीम ने 4 ग्रुप बनाए। मतलब हर ग्रुप में 3 मजदूर थे जो बारी बारी से टनल में जाकर ड्रिलिंग का काम करते थे। इन 3 लोगों में पहला मजदूर लेटकर या फिर घुटनों के बल बैठकर पाइप के अंदर मलबे की खुदाई करता था, जबकि दूसरा मजदूर ठीक उसके पीछे लेटा रहता था, जो मलबे को एक ट्रॉली में भरने का काम करता था। बाद में मलबे से भरी उस ट्रॉली को पाइप के अंदर मौजूद तीसरा मजदूर रस्सी से जोड़ता था। वो ट्रॉली रस्सी के सहारे टनल के ठीक बाहर एक पाइप से बंधी थी, ताकि बाहर बैठे दूसरे मजदूर उस ट्रॉली को आसानी से खींच सकें। और हुआ भी सब कुछ प्लान के मुताबिक। रैट माइनस की टीम बारी बारी से अंदर जाकर बिना रुके खुदाई का काम करती थी। नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही 12 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। इसके बाद पाइप की सुरंग से एनडीआरएफ की एक टीम फौरन मजदूरों तक पहुंच गई और फिर बिना वक्त गंवाए एक एक करके 17 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया गया। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम सुरंग में पहिए लगे स्ट्रेचर के साथ पहुंची थी, क्योंकि रेस्क्यू टीम ये नहीं चाहती थी कि इतने दिनों से टनल में फंसे मजदूर रेंगते हुए 32 इंच चौड़े पाइप से बाहर आए। इसी वजह से एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें पहिए लगे स्ट्रेचर से बाहर निकालने का प्लान तैयार किया था। मजदूरों तक पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीम ने एक मजदूर को स्ट्रेचर पर लिटाया और फिर बाहर की तरफ खड़े जवानों ने उन्हें रस्सी की मदद से आसानी से खींच लिया। स्ट्रेचर में पहिए लगे होने की वजह से एक मजदूर को पाइप की सुरंग से बाहर आने में महज 2 से 3 मिनट का ही वक्त लगा। इसी तरह एनडीआरएफ के जवानों ने सभी मजदूरों को स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रैट माइनस की टीम आसानी से ड्रिल करते हुए मजदूरों तक पहुंच गई, बल्कि 12 मीटर की खुदाई करने के दौरान उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मलबे में आगे की तरफ सरियों और लोहे के पाइपों का जाल बिछा था, जो रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उन लोगों को सरिये और लोहे के पाइपों को काट कर खुदाई का काम जारी रखना था। ऊपर से 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर लोहा काटना नाको चने चबाने जैसा था। हालांकि रैट माइनस की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। गैस कटर से हमने उसको कटवाया, वेल्डर लेके गए हम अंदर जी, फिर उन्होंने उसको सरिया को काटा, फिर हमने आगे पाइप सरकाया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सुरंग में हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने बताया कि 1 मीटर की खुदाई करने में उन्हें करीब 2 घंटे का वक्त लगता था और इस दौरान कई बार उनका सामना लोहे के पाइप से हुआ। लेकिन इसके बावजूद उनका जज्बा कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल कर मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने का काम पूरा किया।